गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जो ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको आप जरूर एक बार रीड जरूर करना है। बुक को अपने सामने रखो, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको देखो, और जो वर्क दिया जा रहा है उसको फेयर में करिए, जैसे कि आप स्कूल में करते हो, है ना? क्योंकि आपको दिख रहा है ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी, लॉकडाउन कब खुलेगा कोई पता नहीं है, और जब तक गवर्नमेंट का कोई आदेश नहीं आता है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ही चलाएंगे। और छोटे बच्चे हो तो कोई नहीं चाहता कि छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाए। अब मैं जानती हूँ आप बहुत मिस कर रहे हो स्कूल को भी, सारा अपने एनवायरनमेंट को भी, पर हमारी मजबूरी सबकी है कि हम स्कूल, कोई भी सरकार स्कूल ओपन करने में अभी तैयार नहीं है। तो बच्चों ये है चैप्टर थर्ड, क्लास थर्ड के लिए इंग्लिश लिट का है, और इस चैप्टर का आज थर्ड डे है, समझ में? और पेज नंबर 19 पर है, और ये है एक्शन टू बी प्राउड ऑफ। आपने सुना होगा, मैं एक कहानी बता रही थी आपको कि बच्चे जैसे लंच बेल होती है तो पास में एक आम का बगीचा है तो उसमें दौड़ कर जाते हैं। उन बच्चों का एक लीडर है रहीम, वो रोज़ाना अलग अलग बच्चों को बुलाकर ले जाता है और उसमें से जाके आम तोड़ता है। अब वो खाने से ज़्यादा ये क्या करते थे, तोड़ के कच्चे आमों को पटक देते थे, ना आमों का नुकसान ज़्यादा करते। अब देखिए इसमें दिया है, उस जो माली था उसने उस रहीम को पकड़ लिया है और इतनी टाइटली स्ट्रांगली पकड़ लिया कि रहीम चाहता हुए भी उसको अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। फिर उसने क्या किया, उस माली ने उस लड़के को पकड़कर एक व्यक्ति के पास लेकर आया। ही प्रेजेंटेड ही रहीम बिफोर एन ओल्ड मैन सिटिंग ऑन अ पॉट इन ए कॉर्नर ऑफ द ऑर्चर्ड। वो उस लड़के को कहाँ लेकर आया, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था खाट पर और उस पर लेकर आए, यानी बगीचे के कॉर्नर पर। ही वॉज ओनर ऑफ द ऑर्चर्ड, यानी वो बगीचे का मालिक था। रीचिंग देयर द वॉचमैन सेड, वहाँ ले जाने के बाद वॉचमैन कहने लगा, दिस फेलो सीम्स टू बी द लीडर ऑफ द गैंग, कि मैं देख रहा हूँ ये इस लीडर का, मतलब लीडर है गैंग का। ही रेगुलरली ब्रिंग्स अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू स्टील अवर मैंगोज, मैं रोजाना देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चों को लेकर ये आम चुराने आता है। दे डिस्ट्रॉय मोर देन दे ईट, यानि खाने से ज़्यादा ये क्या करता है, आमों का नुकसान। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और एक बार आप ज़रूर इसको रीड करना है। अगला पार्ट मैं आपको कल पढ़ाती हूँ। थैंक यू।